IBA grads, gateway to your desired future. Assalamu alaikum everyone. अच्छा भाई, तो आजकल जो बड़ा हॉट टॉपिक हुआ है कि IBA में राउंड वन और IBA का राउंड टू क्या होगा, टेस्ट वेस्ट और इतनी सारी चीजें जो AS और इंटर के फर्स्ट ईयर के बच्चों के दिमाग में चल रही हैं, तो हमने सोचा कि हम उसको आज एक रोल प्ले में कन्वर्ट करें और जो भी सवाल बच्चों के दिल में है, दिमाग में है, उसको सबके सामने लेकर आए ताकि सबको फायदा हो. तो लेट स्टार्ट. मैं जो हूँ वो इंटर में हूँ और मेरा एक दोस्त है वो इलेवेंथ में, मेरे साथ नहीं आया लेकिन उसके सवालात मेरे साथ ज़रूर आए. तो मुझे ये बताएं कि हमारी उसकी तो फिर भी अभी AS का रिजल्ट आ गया है, मेरा तो अभी फर्स्ट ईयर की परसेंटेज ही नहीं आई है, सेकंड ईयर की तो बहुत दूर है, तो हम कैसे दे सकते हैं, IBA में कैसे अप्लाई कर सकते हैं? अच्छा भाई, देखें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि IBA में एंटर होने के लिए आपको देना होता है टेस्ट और एक मिनिमम परसेंटेज रिक्वायरमेंट होती है, वो आप अपने सेकेंड ईयर और A2s में सबमिट करते हो. अब इस बात का ये मतलब है कि अगर आपको IBA में जाना है और आपके हाथ में फर्स्ट एड की परसेंटेज है या नहीं है, AS के ग्रेड्स हैं या नहीं है, और कुछ भी ग्रेड्स हैं, कुछ भी परसेंटेज है, डजंट मैटर, आप IBA का राउंड वन दे सकते हो. तो इसका मतलब मैं और वो अभी राउंड वन जो 12 फरवरी को होने जा रहा है ये दे सकते हैं. अच्छा, अब आप मेरे पास आए हो और ये आप मुझसे बेसिक सवाल पूछ रहे हो, तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने टेस्ट की तो तैयारी करी नहीं है, और आपने टेस्ट की तैयारी नहीं करी है तो अब राउंड वन तो 12th of February को है. तो ऐसे लोग बहुत चाहते हैं, वो हमारे पास हर कैंपस पे क्वेरीज हैं कि हमें राउंड वन की तैयारी करा दें, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग इतने कम टाइम में हम एक अच्छी सॉलिड तैयारी नहीं करा सकते, सही है, और आप खुद भी नहीं कर सकते. हाँ, इसका ये मतलब नहीं है कि आप टेस्ट नहीं दो, आप डेफिनेटली टेस्ट दो, आप IBA जाओ, आप IBA का माहौल देखो ताकि आपको आइडिया हो कि टेस्ट कैसा होता है और वो जो फर्स्ट टाइमर की एंजाइटी होती है वो खत्म हो जाए. लेकिन राइट नाउ एक सॉलिड फुल प्रूफ तैयारी वो पॉसिबल नहीं है. तो एट द एंड ऑफ द डे मैं आपको यही कहूंगा, आप टेस्ट अपने एंड पे पढ़ के खुद दे दो, लेकिन राउंड वन की तैयारी हम तो नहीं करा सकते अभी. तो फिर अब मेरे और मेरे दोस्त के पास क्या ऑप्शंस हैं? अच्छा, ये एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है. अच्छा, अब इस सवाल का जवाब देने के लिए मैं इसको दो हिस्सों में तोड़ूंगा, एक जो आप हैं इंटर के हैं और एक आपका जो दोस्त जो ए लेवल्स में. पहले बात करते हैं इंटर वाले की. देखें, हमें जो ये मालूम हुआ है बोर्ड, जो बोर्ड है हमारा, उससे मालूम हुआ है कि 22 मई को इंटर के फर्स्ट ईयर के पेपर्स होंगे, ठीक है. तो अभी राइट नाउ आपके पास क्या क्या है, आपके पास पूरा फेब है, मार्च है, अप्रैल है, तकरीबन 3 महीने हैं. 3 महीने में एक सॉलिड अच्छी तैयारी हो सकती है, गिवन द फैक्ट आप हमारे पास 12th of February वाला बैच ज्वाइन कर लो. लेकिन जैसे ही आपका मई टच होगा, मई में हम आपको बोल देंगे अब आप जाओ, आप अपने इंटर पे पूरा फोकस दे दो. 3 महीने की तैयारी कर ली आपने और आप जाओ और आप अपने इंटर पे फोकस करो, इंटर की तैयारी करो, 22 मई से अपने पेपर दो. ऑन द अदर हैंड जो ए लेवल्स वाला है, ए लेवल्स वाले के लिए ये रिकमेंडेशन है कि वो भी हमारे पास 12th February आए, लेकिन क्योंकि उसके पेपर मई के शुरू में हो जाएंगे स्टार्ट, तो हम उसको ज्यादा एंड तक लेके नहीं जाएंगे, हम उसको अप्रैल के शुरू में ही ऑफ कर देंगे. तो इसको आसान करने हैं तो ए लेवल्स इंटर वालों को हम तकरीबन 3 महीने एंगेज रखेंगे उनके एग्जाम से पहले, और ए लेवल्स वालों को हम तकरीबन 2-2.5 महीने एंगेज रखेंगे अपने पास. तो इस तरह हम आपकी तैयारी की स्ट्रेटेजी बनाएंगे. तो फिर तो जब मैं ये सब पढ़ लूंगा और फिर इंटर के एग्जाम देने जाऊंगा तो फिर तो मैं ये सब वापस आके भूल जाऊंगा, आप और वो दोस्त भी मेरा भूल जाएगा. बिल्कुल सही है, और मुझे ऐसा लग रहा है माशाल्लाह आपके सवाल बड़े बहुत काम के सवाल हैं. देखें, ये काम जो होगा ना स्ट्रेटजी से होगा, क्योंकि ये इस साल जो पेपर्स हैं ना वो थोड़े डिफरेंट तरीके से आ रहे हैं, तो इसकी स्ट्रेटजी ये होगी कि हम आपको जितना भी कोर्स कराएंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप इंटर के हो, आपका कोर्स तो पूरा हो गया, तो ऑब्वियसली बात है आप चीज़ें भूलोगे जब आप 1 महीने तक नहीं करोगे. जैसे ही आपके इंटर के पेपर खत्म होंगे 8th of 9 June इसके आसपास, हम आपको बुलाएंगे और हम आपको बेसिक रिविजन देंगे हर चैप्टर के, और फिर फौरन हम आपको प्रैक्टिस टेस्ट पे जंप ऑन कर लेंगे. अब ये एग्जीक्यूशन फेज है, इसमें एग्जीक्यूशन होगी तो काम होगा. गिवन द फैक्ट ए लेवल्स वाला, उसका तो वैसे ही पूरा कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ था, तो पहले उसको बेसिक रिविजन और जो उसके एंड के चैप्टर्स हैं वो उसको प्रॉपरली कराए जाएंगे, और फिर वो प्रैक्टिस टेस्ट पे जंप करेगा. देखिए, सब कुछ प्लानिंग से होगा, ये जब ऐसे ट्रिकी हालात होते हैं तो उसमें हम ट्रिकी काम करने होते हैं. तो एट द एंड ऑफ द डे हम ये काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे से कर रहे हैं, अल्लाह का बहुत फजल है, बहुत टाइम से कर रहे हैं, तो बस अल्लाह की मर्जी होगी, हमारी एग्जीक्यूशन होगी, आपकी मेहनत होगी, रिजल्ट आ जाएगा इंशाल्लाह. तो अगर मैं इसको समराइज करूं अपने दोस्त को भी बताने के लिए, तो अभी हम 12 फरवरी से स्टार्ट करें, परफेक्ट, अपने एग्जाम्स तक, उसके लेवल्स के एग्जाम्स तक और मैं अपने इंटर के एग्जाम्स तक कंटिन्यू करें, उसके बाद एग्जाम्स के फौरन बाद वापस आके फिर 25 June तक आप हमें वापस बुलाएंगे एग्जाम्स के बाद और छोड़ेंगे नहीं. बिल्कुल ऐसा ही है, जिस दिन आपके एग्जाम्स खत्म होंगे उसके अगले दिन से हम आपको ज्वाइन कराएंगे
और हम आपको बोलेंगे आओ भाई अब अपनी जो लेफ्ट ओवर टाइम है जो कि बहुत कम टाइम है इंटरवालों के लिए, इंटरवाले दिमाग से निकाल दें कि वो 7th-8th जून को वापस आएंगे और वो 25th जून को पेपर दे देंगे, नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है, दिमाग से निकाल दें इसको। और फिर इंशाल्लाह टेस्ट, इंशाल्लाह अगर तो डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है तो ठीक है, अगर इंटरव्यू होता है तो उसकी भी तैयारी कराएंगे। डेफिनेटली इंटरव्यू की तैयारी होगी क्योंकि इंटरव्यू भी हमारे इस पूरे फेस का एक पार्ट है। सही, ठीक, थैंक यू सो मच। तो ये उम्मीद है, ये हमने कुछ नया ट्राई किया था, ये इसमें हमने कोशिश की थी कि हम एक रोल प्ले करें। तो अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।